इन्नी ठंड के भी थोनू इन्नी उम्र भी अच्छ संघर्ष करने सड़कों के उपर आना पंजाब की सरकार नकारी सरकार है जट्टां दीआं जमीनां तक वैर कर रही है पर पैसा देना उन्होंने बस की गल नहीं। ये जो आप दिंदी है उदो करोड़ों के हिसाब नाल दिंदी है तो जट्टां नाल धक्का क्यों? रोड बंद नहीं हुंदा तां जिहड़े छोटे किसान ने वह खत्म हो जाएंगे। देखो जी जे चरणजीत चन्नी नूं तां मिलांगे जे सानूं मिलण की कोशिश करनगे, वह कोशिश ही नहीं करते जिस मिली है उन्होंने। ये तो कहते रूटीन चाहे दे आदत बनिया हुई ने धरने लाने दी। अज गल ये चल गई भी घर घर चली गल चन्नी और कांग्रेस सरकार तो कोई भी लोगों का मसला नहीं होया हल, नहीं होया हल। सरकार धक्का करना चाहती, असी धक्का हो नहीं देना। साडिया लाशों के उपर लंघना पेगा ता यह कोई कब्जा कर सकता नहीं, कब्जा कर नहीं देंगे। सत श्री अकाल दोस्तों, प्राइड पंजाब टीवी ते थोड़ा स्वागत। मैं संसारदीप। ज्यों ज्यों पंजाब सरकार दे कार्यकाल दा समा जिहड़ा खत्म हो रहा है, समाप्ति वल वध रहा है, पंजाब दे विच धरने प्रदर्शनां दा दौर बिल्कुल तेजी दे नाल ज्यों दा त्यों बनिया होया। अज फतेहगढ़ साहब SSP दफ्तर दे सामने धरना लग्या होया। मंगां ने कि जिहड़ा हाईवे किसानां दीआं जमीनां दे विचों निकल रहा है उस नूं रोकिया जाए, वह किसानां दे हक्कां दा घाण कर रहा है। उस संघर्ष कमेटी के अहुदेदार ते होर संघर्षी किसान जिहड़े ने साडे नाल मौजूद ने, गल्लबात इहनां दे नाल करदे आं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल सर। की नाम है जी? स्वर्ण सिंह भुल्लर। भुल्लर साहब, अज सड़कों पर बैठे हो, तकरीबन हर वर्ग जिहड़ा है सड़कों के उपर बैठा है पंजाब दे विच, इलैक्शनां दा दौर नेड़े आ, तुहाडियां मंगां की ने कि अज इन्नी ठंड के भी थोनू इन्नी उम्र भी अज संघर्ष करने सड़कों के उपर आना पै गया? गल ये है जी भी साडी जिहड़ी पंजाब दी सरकार है सानू बहुत ही एक दुख महसूस होंदा है जदों असीं ये गल कहने आं भी पंजाब दी सरकार नकारी सरकार है। एक जनरल रोड कढ़न वास्ते जट्टां दीआं जमीनां तक वैर कर रही है पर पैसा देना उन्हां दे वस दी गल नहीं। जे पैसे वाली गल आउंदी है तां पैसे तां जी तुहानूं उन्ने क मिलणगे जिन्ने क असीं दे सकदे आ। किन्ना केड़ा रोड कित्थे तों लैके कित्थे तक रोड जिहड़ा है कढ़िया जा रहा है? कि मोहाली तों माधोपुर तक रोड निकल रहा है जी, और वो जिहड़ी जमीन आ रही है उहदे विच वो जमीन जे किसी का 2 किले ने वो किले दे ज 2 कनालां जमीन या 4 कनालां जमीन एक पासे बच जाती है, वो जट तो खत्म हो गया। वो जट की करूँगा? वो जट दे जो जमीन का रेट मिल रहा है वो जी जो साड़ी कीमत है जे साड़ी इत्थे 16 लख रुपया कीमत है ना, तो वह असी डबल देवे जदों के 40 लख रुपया 50 लख रुपया रेट आम चल रहा है। और जिहड़ी सरकार है ये जो आप दिंदी है उदों करोड़ों के हिसाब नाल दिंदी है, कोई जट्टां नाल धक्का क्यों? मंगां की ने कि रेट वधा के दिता जाए जां ये रोड जिहड़ा नहीं बनना चाहिए, तुहाडियां मुख मंगां की ने? मुख मंग है जी भी इस रोड नूं बंद कर दें, क्योंकि जे रोड बंद नहीं हुंदा तां जिहड़े छोटे किसान ने वह खत्म हो जाएंगे। जे उन्हां दी जिहदी जमीन दे विचों दी उह रोड निकल गई वह बिल्कुल किसान खत्म हो जाएगा। अगर जे जे वो ये रोड कढ़नी चाहते ने तो उस जमीन की कीमत पूरी देन। कितनी कीमत तुसी सोच रहे हो? आम ये करोड़ों के हिसाब ला लेंदे, करोड़ों के हिसाब ला दे देन। थोनू हले तक अपनियां मंगां नूं लैके किसी सरकारी अधिकारी नाल किसी मंत्री दे नाल कोई गलबात हुई है इस मुद्दे नूं लैके? सिर्फ गल्लां ही करदे ने जी, गल्लां हुंदियां ने पर कम कोई नहीं, सिर्फ वादे खिलाफी चल रही है। नवे बने मुख्यमंत्री ने माणयोग चरणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने कहा कि मैं मसलों के हल करूँगा, जिन्हें भी धरनों पर बैठे ने अपने धरने समाप्त कर देन। थोनू इस संबंधी दे विच अपनी इस समस्या लेके चरणजीत सिंह चन्नी तक तुसी पहुँच करने की जिहड़ी कोशिश की? देखो जी जे चरणजीत चन्नी नूं तां मिलांगे जे सानूं मिलण की कोशिश करनगे, वह कोशिश ही नहीं करते जिस मिली है उन्होंने। वह कहते ने भी इन्हां दा रोज का कम है, की करिए? किसी अफसर ने कहा थोनू के रोज का कम है? बिल्कुल
ये तो कहते हैं रूटीन च इन्हों आदत बनिया हुई ने धरने लाने दया। इस करके असी मजबूर हाँ, सानू अपनी मंगा वास्ते काम करना पैंदा। होर अहुदेदार मौजूद ने भाई जी, की नाम? बलजीत सिंह पुट्टा। पुट्टा साहब, हर वर्ग जिहड़ा संघर्षां ते पंजाब सरकार दे खिलाफ रोस पाया जा रहा है, चरणजीत सिंह चन्नी वालों कहा जा रहा है कि घर घर विच चली गल चन्नी करदा मसले हल, की कहोगे? देखो अज इहदे उल्ट कम हो गया जो तुसीं कह रहे हैं भी अज लोग पूरे 5 साल का समा बीत गया। 5 साल का समा बीतण तो भी जिहड़े अज तो 5 साल पहला सरकार बनने तो पहला जो वादे किए सी वह सारिया वादियां चो एक भी वादा जिहड़ा मौजूदा सरकार ने जिहड़ा पूरा नहीं किया। अज तां जिहड़ी तुसीं गल करदे हो भी जिहड़ी घर घर चली गल मसला करूगा चन्नी जे हल, अज गल ये चल गई भी घर घर चली गल चन्नी और कांग्रेस सरकार तो कोई भी लोगों का मसला नहीं होया हल, नहीं होया हल, अज ये गल चल रही है। इस करके अज पूरे पंजाब दे विच तुसी चाहे इतों चंडीगढ़ नू चले जाओ, चाहे तुसी खन्ने नू चले जाओ, चाहे तुसी पटियाले नू चले जाओ, चाहे तुसी हुशियारपुर नू चले जाओ, हर सड़क की हर रोड के उत्ते थानू जाम मिलेगा। लोग अक गए, लोग दुखी हो गए, लोग 5 साल लोगों का समा बीत गया और समा बीतण तो बाद एक भी वादा तुसीं भी मेरे सामने खड़े हो, तुसीं दस दो भी थोड़े किसी परिवार चो किसी नौकरी मिली? किसी नूं कोई नौकरी नहीं मिली, किसी नूं कोई जिहड़े होर सरकार ने वादे करे वह वादे नहीं करे। बल्कि जिहड़ा 1.5 लाख दा करोड़ दा कर्जा सी वह 3 लाख करोड़ हो गया और इन्हां ने अपनी ऐशप्रस्ती की। और अज जिहड़ा असीं थोड़े सामने किसान बैठे ने, ये किसान एक भारतमाला प्रोजैक्ट आ जो पूरे इंडिया दे विच केंद्र सरकार वालों इस प्रोजैक्ट के राही 1000 एकड़ जमीन किसानां दी जिहड़ी है बर्बाद करनी है इस प्रोजैक्ट ने। और बर्बाद असीं इस करके कह रहे हैं भी ना तो किसी किसान नूं यह दस्या जांदा भी जिहड़ा यह रोड है किन्ना चौड़ा निकलना, ना किसी नूं यह दस्या जांदा है किन्ना उच्चा निकलना। इहदी कोई डाटा नहीं है किसान, कोई किसी को डाटा नहीं। मैनूं एक गल दसो, जे थोड़ों कोई चीज़ खरीदनी है, जे तुसीं बाजार च कोई चीज़ खरीदन जाते हो तो तुसीं पहलां थोड़ा पता हुंदा भी है जे कार लैनी है का मोटरसाइकिल लैना इहदी किन्नी एवरेज आ, किन्नी इहदी कीमत आ, किन्नी इहदी कैपेसिटी आ बंदे लैके जाण दी। पर अज इत्थे इस किसान नूं कुछ नहीं पता। बल्कि थोड़ा इस तो भी वड्डी गल दसदा, जिहड़ी किसानां दी साडी फर्द आ जमीन की जमाबंदी है, उस जमाबंदी दे विच सरकार ने नोट कढ़ता अज तो 8-7 महीने पहलां। वह नोट के उत्ते लिखता नोट चढ़न ते लाल अक्खरां नाल फर्दां ते लिखता ना तो जमीन असीं बेच सकदे हां, ना असी जमीन खरीद सकते हैं, ना कोई किसी किस्म का कारोबार इंडस्ट्री ला सकते हैं। जिहड़ा रोड का मसला, जिहड़ा रोड का मसला, देखो सानू पैसा किसी किसान नूं 1 रुपया नहीं दिता, कोई किसी किस्म का मुआवजा नहीं दिता, कोई किसी किस्म का रेट तय नहीं किया, कोई किसी नहीं दस्या भी ये रेट किन्ना चौड़ा कितने निकलना किन्ना उच्चा जाना। सीधे तौर पर जाके पिंडां दे विच जमीन दे विच बुरजियां लातियां लाल रंग दियां 3-3 फुट दियां और उस तो बाद फर्दां दे विच लाल नोट चढ़ाते, अज किसान कित्थे जावे? अज लोकां दी जमीन, मैं समझदा इत्थे डिक्टेटरशिप गुंडा राज जिहड़ा पिछले समय 1947 तो पहला जिवें चलदा सी ओह राज, राजे शासकां वाला राज अज इत्थे पंजाब दे विच चल रहा है। धक्के ते जमीनां लोकां दीआं दब्बण दी सरकार कोशिश कर रही है और एक भी किसान जमीन देण दे विच सहमत नहीं, क्योंकि असीं जे नैशनल हाईवे सानूं पता है साडे लोकां लई कोई फायदा हो सकता लंघन लई, पर जे किसी सरकार ने इदां दा कोई फायदा सरकार सोचदी है तां सरकार पहलां किसान नाल बैठ के क्लीयर करे भी ये रोड की सानू कित साडियां जिहड़ियां जमीनां जे उच्चे रोड कढ़ते तां साडियां जमीनां च पानी नाल फसलां मरनगियां, जे जे जिथे अगे पानी निकलना जाके उत्थे भी साडी फसल मरूगी। और जिहड़े किसान की जमीन 3 किले आ 2 किले आ इधरले पासे रह गई 2 कनाल, इधरले पासे रह गई 5 कनाल, की करेगा? और एक पासे जे पानी की मोटर दूए पासे आ तो किसान की करेगा? और जिहड़ा रोड है रोड के उत्तों जे एक 3 किले इधर ने 2 किले इधर ने उन्हें कणक बढ़नी आ किवें बढ़ेगा? नाल सानू रस्ते भी चाहिए ने, सिरे तक नाल स्लीपर रोड चाहिए। साडियां मंगां जिहड़ियां किसानां दीआं ने ये सारियां मंगां नूं लैके असीं अज इत्थे बैठे हैं, पर सरकार साडे नाल एक भी गल क्लीयर नहीं कर रही। इस करके अज रोस वजों असीं इत्थे जाके जिहड़ा दरवाजे के डिप्टी कमिश्नर ते बैठे हैं, क्योंकि 1 साल हो गया सानू, 1 साल तो असीं संघर्ष कर रहे हैं। कसे आ विधायक नागर का सामने दफ्तर आ, ये दफ्तर में सारे किसान बेचारे जुत्तियां घसातियां किसानों ने उत्थे जाके, आ डिप्टी कमिश्नर का दफ्तर है इत्थे जाके जुत्तियां घसातियां, और मुख्यमंत्री साहब तक हर मंत्री तक केंद्र तक जाके किसानों ने कोशिश कर ली, पर अज इत्थे किसे किसान दी किसे आम लोग दी कोई सुनवाई नहीं। सरकार धक्का करना चाहती, असी धक्का होण नहीं देना, साडियां लाशां दे उत्तर लंघना पऊगा तां तां इह कोई कब्जा कर सकदा नहीं, असी कब्जा कर नहीं दिंदे। किसानां दे मनां दे विच रोस पाया जा रहा, किसानां दे दिलां दे विच पंजाब सरकार दे खिलाफ गुस्सा पाया जा रहा, थोड़े तक दोबारा आउंदे आ
ਪੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੇਣਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਹੁਦਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੈ ਸਪਸ਼ਟ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਵੇਂ ਦੱਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬਣ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤੀ ਆ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੱਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਮਸਲਾ? ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਆਗੂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਸਮਰਥਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਨਾਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਐਲਾਨੇ ਜੰਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਾਈਡ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪ੍ਰਾਈਡ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ ਪ੍ਰਾਈਡ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਲਵੋ।